बिहार के गया जिले के मामगंज और डुमरिया प्रखंड की सीमा के मैगरा थाना अंतर्गत गुड्डी फील्ड पर प्रतिवर्ष मोहर्रम त्योहार के 10वें दिन करीब 2 दर्जन से अधिक गांव के लोगों द्वारा ताजिया बनाकर प्रदर्शन किया जाता है, जिस गांव के ताजिया टॉप होता है और उस गांव के कारीगरों और पुरस्कृत किया जाता है। वही शनिवार को मैगरा थाना क्षेत्र के बिकुआ कला में मिशन चंद्रयान 3 का बिल्कुल कॉपी ताजिया बनाया गया है। इस संबंध में कमेटी के सदस्य पूर्व सरपंच उम्मीदवार मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद इशार मास्टर, सहनवाज मास्टर व कारीगर इखलाक अहमद एवं इनामुल कारीगर ने बताया। भारत चंद्रयान पर अपना तीसरा चंद्रयान लॉन्च कर विश्व में भारत की नई पहचान बना रहा है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक को चंद्रमा की भौतिक और भौगोलिक संरचना का विश्लेषण करने में सहायता हासिल होगी। चंद्रयान 3 और 14 जुलाई 2023 को रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लॉन्च किया गया था। इसी को लेकर भारतवासियों को त्योहार में एक संदेश देने के लिए मैगरा थाना क्षेत्र के बिकुआ कला गांव के ग्रामीणों ने 3 दिन में चंद्रयान 3 बनाकर तैयार कर दिया। कारीगर मोहम्मद इखलाक ने बताया कि इसमें कुल लागत करीब 40,000 लगी है। ये चंद्रयान 3 के आकर्षण का केंद्र बना है। लोगों को देखने के लिए तांता लगा हुआ है, लोग सेल्फी लेकर तारीफ के पुल बांध रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस कारीगर को विश्व स्तर पर अवार्ड मिलना चाहिए। इस मौके पर डुमरिया अंचलाधिकारी कौसर इमाम और मैगरा थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार ने भी प्रशंसा की। बिकुआ कला में है, हर साल की भांति इस साल भी बनाया गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई धार्मिक धर्म से रिलेटेड कोई चीज नहीं बनाई जाती है। यहाँ पे जो नए जो मामले आते हैं, करंट अफेयर्स के जो मामले आते हैं, उससे रिलेटेड बनाया गया है। पिछले साल यहाँ पे इंडिया गेट बनाया गया था, इस बार ये चंद्रयान 3 बनाया गया है जो बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, और बनाने वालों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और मैं आशा करता हूं कि ये जो काम होगा इसी तरह आगे भी इसी तरह काम होगा और समाज में संभावना बनी रहेगी, और हर साल की भांति इस साल भी महर्रम का त्यौहार जो सुखरोश से मनाया जाए। ये चंद्रयान 3 जो अभी अभी 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, हमने इसको लाए फील्ड में कि हम यहाँ हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमारा यहाँ जितना हक आपका है उतना हक हमारा भी है। इसलिए हम लोगों ने एक हिंदुस्तान को मैसेज देने का काम किया कि जो चीज आप बनाने की कोशिश करेंगे उसको हम लोग इस जगह पे लाने का कोशिश करेंगे, और ये एक मैसेज है। और इसमें कोई भी तरह का ये नहीं है कि मुसलमानों का ही त्यौहार है, ये हर धर्म के लिए त्यौहार है और इसमें हर धर्म के लोग आते हैं और गर्व से देखते हैं। खासतौर से बिकुआ का जो भी ताजिया बना आज के करीब 5 साल पहले से लगातार कंटिन्यू, इसमें कोई भी धर्म अपेक्षा की बात नहीं की गई, हम लोगों ने हर धर्म के लोगों को जोड़ा और हर धर्म के लोगों को मैसेज देने का काम किया। इस चंद्रयान 3 की वजह से और लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं और ये बहुत गर्व की बात है। जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, आप लोगों ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, हम अपने क्षेत्र के नौजवानों को मैसेज देना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 जो हमारे देश में लॉन्च किया गया है और हमारे देश के युवा और हमारे क्षेत्र के भी युवा इसे देखकर प्रेरित होंगे कि चंद्रयान 3 क्या है, और इस ओर अग्रसर होंगे कि हमारे देश के जहाँ नौजवान, हमारे क्षेत्र के नौजवान चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे और एजुकेशन में रुचि लेंगे ताकि आगे चल के हमारे नौजवानों को फायदा हो। हमारा गांव हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है, इसी देखकर हम लोगों ने चंद्रयान 3 बनाया है और रहेगा इंशाल्लाह। कम से कम इसमें कराने 5 दिन हमारा नौजवानों का हाथ रहा है। हमारे ही गाँव के कारीगर है कला पर, हमने जो हम पहले पिछले बार भी इंडिया गेट बनाए थे, इस बार चंद्रयान 3 बनाया है और हमारे गाँव के नौजवान है, खर्चा कर लगभग लगभग 35-40 हजार तक पड़ गया है। कौन जगह के ताजिया बनाई गई? बिकुआ कला का ताजिया है। मेरा नाम इसरार अहमद है। इस साल की तरह इस साल भी कुछ यूनिक और एक अच्छी चीज बनाने की कोशिश की गई है हम लोगों द्वारा, और ये सिर्फ चंद्रयान 6 मॉडल नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी के तरफ कि हम सब लोग इस देश के विस्तार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं, और ये एक सबूत है इस कमिटमेंट के तरफ, और पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि हम
देश के हर चीज में बढ़ चढ़ कर सिर्फ मतलब साथ में रहना चाहते हैं, उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, चाहे जिस भी तरीके से हो, हम जिस हालत में हैं उस हालत में बढ़ चढ़ कर ज्यादा से ज्यादा करी हिस्सेदारी के साथ या अपना सबूत के साथ, सिर्फ जवान के साथ नहीं कि हम लोग ये करेंगे, बल्कि कमिटमेंट के साथ सबूत देते हुए इस देश को पूरे एकदम क्लियर तरीके से बताना चाहते हैं कि हम इस प्रोग्रेस में भारत के और इंडिया के साथ हैं। ख्याल का बात नहीं है, यहाँ का लोग बहुत यूनिक सोचने के लिए आज से नहीं बहुत सालों से जाने जाते हैं, हर साल कुछ नया और यूनिक करते ही है देश के लिए। पिछले साल भी यहाँ एकदम यूनिक अनोखा चीज इंडिया गेट बनाया गया था जो लोगों को बहुत पसंद आया था। इस बार भी कुछ यूनिक एकदम नया चंद्रयान 3 जो भी देश के नाम रोशन करने के लिए वहां से उड़ चुकी है और इस आज यहाँ इस चीज को आम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं जो नहीं भी जानते हैं कि चंद्रयान 3 का वहां से तो 14 तारीख को उड़ चुकी थी और देश का आधा से ज्यादा क्या उससे ज्यादा जनता को पता ही नहीं है कि है क्या। इस चीज को बढ़ चढ़ कर सभी आम से आम जनता तक ये बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा देश कितना ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है और आगे भी पहुंचेगी। ये हम सब लोगों को गांव के साथ में सारे गाँव में मिलकर ये बनाए और हर साल की तरह ज्यादा दिन में सिर्फ 3 दिन में यहाँ बनाया जाता है दुकान, ज्यादा दिन में बस 3 दिन में ही बनाया जाता है। देशवासियों को बस इसको सबसे बड़ा कमिटमेंट यही है कि आप जो सिर्फ सुनते हैं उसको अच्छे से जानिए और देखिए और साइंस को समझने की कोशिश करिए और इस मॉडल के द्वारा हम यही दिखाने की कोशिश किए हैं और खास करके छात्रों को कि आप जो सिर्फ सुनते हैं सिर्फ सुनिए नहीं, समझिए कि क्या है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, देश का नाम रोशन करिए। और हाँ, मैं मोहम्मद वाजिद बिकवा कला का निवासी, ये बिकवा कला का ताजिया है, यहाँ हर साल इसी तरीके से अच्छे मॉडल पर देश के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और न्यूज पर यहाँ बहुत दिनों से मुहर्रम जो है से हिंदू और मुसलमान का एकजुटता का एक पर्चा यहाँ दिए, हर तरह की फीलिंग यहाँ नहीं हुआ कि मुसलमान है और हम और ये हिंदू है, यहाँ एकजुटता का पर्चा हुआ है और बराबर इस तरह का यहाँ निकलता है। अगले वर्ष भी यहाँ निकला था मुहर्रम में तजिया जो है से हाँ इंडिया के, इससे क्या मैसेज जाएगा यहाँ? एक सद्भावना का मैसेज जाएगा, एक सब भाई के भाईचारा का नाता के मैसेज जाएगा कि सर एक है हम लोग एकजुटता के साथ है, हिंदू हो मुसलमान हो एकजुट है हम लोग। अपना नाम बता। मेरा नाम नवल किशोर सिंह।